जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आज आप लोगों को एक और मजेदार रिएक्शन वीडियो जो है मिलने वाली है हमारी साइड से। स्वागत है आप लोगों का हमारी द बेस्ट ऑफ इंटरनेट सीरीज के सेकंड एपिसोड के अंदर, जहां हम लोग रिएक्ट करते हैं फाइनेंस जुड़े बेस्ट पोस्ट, थ्रेड्स और वीडियोस पे, और उन्हें सिंपल तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। और हेलो, जिन्होंने बेस्ट ऑफ इंटरनेट का डेब्यू एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ जरा देखो, उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसको एक बार जरूर देखें। उसको बहुत सारा प्यार मिला है हमारी ऑडियंस से, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी जो है वो मिले हैं, और आप भी जाकर अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। तो मेरा वादा है कि ये एपिसोड पिछले वाले से भी बेहतर होने वाला है, अगर हम भी तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर हैं। इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि समय के साथ साथ हमारा कंटेंट और भी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होता जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं ना, तो आपको खुश होकर सीखना चाहिए, अदरवाइज जो है वो सीखना एक सजा बन जाता है। आइए आपको पहली ट्विटर की थ्रेड जो है वो दिखाते हैं। इस थ्रेड में कैपिटल माइंड के सीईओ दीपक शिनॉय ने डेट, जिसे जनरली खराब माना जाता है, उस पर काउंटर व्यू दिया है और एग्जाम्पल्स के साथ अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। कुछ समझे? कोई नहीं, हम है ना। पिक्चर कीजिए चिंटू की चाय की टपरी। आपके एरिया में एक छोटी सी टपरी है जहाँ हर रोज लोग अपना डेली डोज ऑफ अदरक वाली मसाला चाय पीने जाते हैं। अब चिंटू को हर रोज नए सप्लाईज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि चाय पत्ती, दूध, चीनी, अदरक, चाय मसाला और बिस्किट्स। लेकिन कभी कभी उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सभी की सप्लाईज खरीद सके, इसलिए चिंटू गया सेवा बैंक पे। सेवा बैंक जी, क्या हाल चाल है आपके? और वहां उसने रीजनेबल इंटरेस्ट पर वर्किंग कैपिटल लोन ले लिया। वर्किंग कैपिटल मतलब अपने जो डेली बेसिस के आइटम्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बट मान लीजिए उसने अपने वर्किंग कैपिटल के लोन ले लिया और उन पैसों से ये सारा सामान खरीद के आ गए चिंटू भैया अपनी चाय की टपरी चलाने के लिए। अब लोन के पैसे से चिंटू ने इन एक्स्ट्रा सप्लाई से और भी ज्यादा चाय बेची, उसकी सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, इसलिए उसने ना सिर्फ इंटरेस्ट पे बैक कर दिया बल्कि बचे हुए प्रॉफिट्स को बिजनेस में रीइन्वेस्ट भी कर दिया। आहा, चिंटू चाय वाला। चिंटू ने तो जैसे डेट नाम की एक छुपी हुई शक्ति को पा लिया और उस शक्ति का सही इस्तेमाल भी किया। अब चिंटू की ही तरह बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज भी डेट को एफिशिएंटली यूज करके अपने प्रॉफिट्स और मार्जिन को इम्प्रूव करती है। इसी का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो है दीपक शिनॉय ने अपने थ्रेड में दिया है कि कैसे एक एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन डेट लेने से सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी है तो भी आपने जो है एग्जाम्पल जरूर पढ़ा होगा कि कैसे लीवरेज से आपके जो है ईपीएस सुधर सकते हैं, यानी अर्निंग पर शेयर जो है सुधर सकता है। एनीवेज, अब बात करते हैं दीपक शिनॉय जी के थ्रेड की। उन्होंने दो केसेस की बात की है, केस 1 जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर कोई डेट नहीं लेता, केस 2 जिसमें वो डेट की मदद से अपनी इन्वेंटरी बाय करता है। चलिए दोनों केसेस की कैलकुलेशन हम आपको एक्सेल पर दिखाते हैं। पहले केस में मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को एक शैंपू बॉटल 100 रुपए की पड़ती है, तो 100 बॉटल्स के लिए उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10,000। अब वो इस 100 बॉटल्स के बैच को डीमार्ट में सेल करता है, लेकिन 102 रुपए की एक बॉटल जो है बेचता है, यानी कि हर बॉटल पे वो 2% का मार्जिन अर्न करता है। 100 बॉटल्स पे उसके 200 रुपए जो है वो अपना प्रॉफिट कमा लिया है। अब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर डीमार्ट से पेमेंट मिलेगी, वो फिर से 100 बॉटल्स के बैच को खरीदेगा, डीमार्ट को रेयर मैच सप्लाई करेगा। ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटर साल में 12 बार डीमार्ट को शैंपू सेल करता है, और अब बताइए उनका प्रॉफिट साल में कितना हुआ? 12 times इन्वेंट्री टर्नओवर और 2% का मार्जिन से डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे टोटल 2400 रुपए का जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लिया। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन हो गए वो हो गए 24%। अब देखते हैं केस 2 जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर यही बिजनेस 50% कैश और 50% डेट से करता है, यानी कि 10,000 शैंपू की इन्वेंट्री वो 50% डेट पर लाता है, जिसके लिए वो 14% पर एनम का इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो केस 1 की तरह ही उनका प्रॉफिट तो 2400 होगा, उसमें से फिर अगर हम लोग 700 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिडक्ट कर दें तो उनका फाइनल प्रॉफिट जो है 1700 आएगा, लेकिन उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ कितनी थी? 5000 थी। तो ऐसे में 5000 पे 1700 का प्रॉफिट जो है उनके लिए हो गया 34%, यानी कि 34% का रिटर्न ऑन इक्विटी अगेंस्ट 24%। क्या बात है, कम पैसा ज्यादा कमाई, रिटर्न जो है हमने अपनी ऐसे बढ़ाई। तो आपने देखा, डेट एक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र की तरह क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि भाई साहब, आप लोगों का जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी एक तरीके से आपके कैपिटल पे वो बढ़ा सकता है। लेकिन इतना ज्यादा डेट भी नहीं लेना चाहिए कि कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई भाई साहब वो मैनेज ना कर पाए। वैसे आपको पता है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज एशिया का सबसे बड़ा मैंगो ऑर्किड जो है वो ओन करते हैं, यानी कि राइट आम का बाग। 1997 में रिलायंस इंडस्ट्री को उनकी जामनगर रिफाइनरी के कारण हो रहे पॉल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कई वार्निंग मिली थी। हेलो,
और उसके रिलायंस ने इसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और अपनी रिफाइनरी के आसपास जो है वेस्टलैंड्स को आम के बगान में बदल दिया। अब आप ये सोच के देखिएगा आम का सीजन आ रहा है और आज उस मैंगो के जो उसका आम का बाग है उसको हम क्या बुलाते हैं, धीरू भाई अंबानी लकी बाग अमराए के नाम से जाना जाता है और यहाँ के मैंगोज ग्लोबली एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इस पर हमने कुछ महीनों पहले एक शॉर्ट भी बनाया था, वो आप चेक कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैंगो स्टोरी बताने के पीछे रीजन ये है कि बिजनेस में एक के बाद प्रॉब्लम्स जो है वो आती रहेंगी, लेकिन टॉप कंपनीज क्या करती हैं, वो हर प्रॉब्लम्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी में बदलती हैं और फिर उनसे जो है फायदा उठाती हैं। अलेक्सेंडर वोलोदार्स्की सी ऑफ lemon.io ने रिसेंटली अपने ट्विटर थ्रेड में ऐसी ही कुछ कंपनीज के बारे में जो है बात की है और अब हम बात करने वाले हैं उसी ट्वीट की जहां पे वो बता रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो कॉस्ट सेंटर को जो है वो प्रॉफिट सेंटर में बदल देती है। पैसा ही पैसा होगा बाबू। हाँ, आपने सही पढ़ा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने कॉस्ट सेंटर को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो है वो खड़े कर दिए। यहाँ पे हमारे जो भाई साहब हैं अलेक्सेंडर वोलोदार्स्की ने 8 ऐसी दिग्गज कंपनीज के एग्जाम्पल दिए हैं जो कॉस्ट सेंटर को प्रॉफिट सेंटर यानी कि अपने एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में बदलने में कामयाब रही हैं। इसमें अमेजॉन, पेपाल, आपकी वॉलमार्ट जैसी बहुत सारे जाइंट्स भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेजॉन की। अमेजॉन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज के थ्रू प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर दिया। चलिए समझते हैं कैसे, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। और यहां तक पहुंच गए और आपने हमारे इस एपिसोड को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो, जल्द लाइक कर दो। Amazon जैसे ई-कॉमर्स जाइंट को अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज और डेटाबेस पे बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता था, लेकिन फिर Amazon ने सोचा क्यों ना इस IT इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे बिजनेस को भी प्रोवाइड किया जाए और इसी तरह से जन्म हुआ Amazon के एक जबरदस्त प्रॉफिट सेंटर का, एक बढ़िया बिजनेस का, जिसका नाम है AWS। और आज की डेट में मैं और आप बल्कि हम सब कहीं ना कहीं AWS को यूज कर रहे हैं। AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देता है और बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, रिमोट कंप्यूटिंग एटसेट्रा, और साथ साथ में बहुत सारी चीजों का एक्सेस जो है आज की डेट में आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो कंपनीज AWS यूज कर रही हैं। उन्होंने 2006 में दूसरे बिजनेसेस को भी AWS की क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया था और आज AWS इस मार्केट में 32% मार्केट शेयर के साथ जो है वो किंग बना हुआ है। इनफैक्ट ये बिजनेस कंपनी को $80 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करा के देता है। क्या अमेजिंग बात है यार, क्या आप लोग भी शौक हैं इससे? मैं बिल्कुल शौक हूं भाई, लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पेपैल का नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, वही इलॉन भैया वाली, इलॉन मस्क वाली कंपनी हमारी। उन्होंने इनिशियली अपने प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन बाद में वो यही फ्रॉड डिटेक्शन सर्विसेज पेपैल जो है वो दूसरी कंपनीज को भी प्रोवाइड करने लगे। आज ये डिवीजन कंपनी के लिए $50 to $100 million से ज्यादा का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। कुछ ऐसी ही जादुई ताकत है किसके पास? वॉलमार्ट के पास। वॉलमार्ट नहीं पता? अरे यूएसए वालों का डीमार्ट है, चिंता मत किया करो, आ जाओ। जी हाँ, ग्रॉसरी और दूसरे शॉपिंग की चीजों के अलावा वॉलमार्ट के पास कुछ है जो उन्हें इस लिस्ट में शामिल करती है। अपने प्रोडक्ट्स रखने के लिए कंपनी को लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं, राइट? सबको भाई साहब कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी ना, इधर से उधर पहुंचाना है, सामान को संभाल कर रखना है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग और शिपिंग सर्विसेज को दूसरे सेलर्स को भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ऐसी थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके कंपनी ने अपने कॉस्ट को प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया और इससे उनका बिजनेस 500% जो है वो ग्रो हुआ। इसी तरह वोलोदार्स्की ने और भी कई कंपनीज के एग्जांपल दिए जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट, इंटेल, GE कैपिटल और Hootsuite का नाम सुना आप लोगों ने? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थ्रेड काफी इंटरेस्टिंग है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाना है और वहां पे जाके आप पूरा का पूरा थ्रेड जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से कुछ टेक कंपनीज के पास एक और सुपर पावर है और वो सुपर पावर है किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ओम 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 ओम। अब बारी है एक लिंक्डइन पोस्ट की जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, मैं तो जब AI के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि भाई साहब ये क्या गजब की वीडियो है जो हमेशा मेरे दिमाग में घूम जाती है जैसे ही AI का ख्याल आता है। Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open.
open door. Repeat that. Open door? I didn't understand that. Hey, open door! Play on the floor. Sing on the floor. Get on the floor. Open the door! Open the door! Open the door! Error. Hey, William. Would it rock? Open door. Open door. ये वही एआई है जो शायद आपकी और मेरी दोनों की जॉब चुरा सकता है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि यही टेक्नोलॉजी आपको काफी फायदा भी पहुंचा सकती है। तो चलिए देखते हैं गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट, एक नई रिसर्च रिपोर्ट इसी बारे में, जिससे पता चलता है कि एआई का इंपैक्ट किस तेजी से जो है वो बढ़ने वाला है। इनफैक्ट हमारे पास है एडी डॉनमेज, जो फिनमिज में ग्लोबल मार्केट्स एनालिस्ट हैं, और उन्होंने इस रिपोर्ट पर अपने लिंक्डइन अकाउंट से कुछ की पॉइंट्स भी बताए हैं। एआई के कारण एनुअल ग्लोबल जीडीपी अगले 10 साल के पीरियड में 7% से इंक्रीज हो सकता है। लगा दो भैया, लगा दो पैसे, लगा दो। और इसका मेन रीजन है सिग्निफिकेंट लेबर कॉस्ट सेविंग, न्यू जॉब क्रिएशन और हायर प्रोडक्टिविटी। इनफैक्ट जनरेटिव एआई 10 साल के पीरियड में एनुअल यूएस लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को अप्रोक्सीमेटली 1.5% तक बढ़ा सकता है। जनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद से नया कॉन्टेंट जैसे इमेजेस, म्यूजिक या टेक्स्ट बना सकती है किसी ह्यूमन के इनपुट के बिना। यस, आपने सही सुना। देखा, हमने कहा था ना, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ, इस बात एक्चुअली में थोड़ी डरावनी तो है। दुम 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 दुम। अगर जनरेटिव एआई हाफ ऑफ एम्प्लॉयर्स तक भी पहुंच जाए तो 10 साल में 7% वर्कर्स कंप्लीटली अपनी जॉब जो है वो खो सकते हैं। 46% एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, 46% एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स और 44% 44% लीगल जॉब्स की जगह एआई ले सकता है। इनफैक्ट 18% ग्लोबल वर्कफोर्स एआई द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। पर रिपोर्ट का कहना है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अपना समय ज्यादा वैल्यूएबल काम करने में स्पेंड करेंगे और जो जॉब से निकाले गए हैं वो इवेंचुअली रीएम्प्लॉय हो जाएंगे। और एडी डॉन में ज़हन नहीं रुकते, वो तो ऑप्टिमिस्टिक हैं और वो कहते हैं कि एआई को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट माना जाना चाहिए। ए चिंटू, अपनी चाय का फॉर्मूला इंटरनेट पे मत डाल दियो, नहीं तो भाई साहब कल को जो है एआई तेरे नाम पे चाय बना रहा होगा। चिंटू, बताना पड़ेगा कि अपनी चाय का सीक्रेट फॉर्मूला एटलीस्ट इंटरनेट पे तो ना ही रखे, वरना हमें कल रोबोट्स की भी चाय की टपरी चलती हुई दिख जाएगी। तो क्या हम एआई के फ्यूचर के लिए रेडी हैं? क्या ये हमारी जिंदगी में गेम चेंजर बनेगा? क्या हमें अब चाय भी सिरी पिलाएगी, एलेक्सा पिलाएगी या वही पिलाएगी? अब चाहे कोई भी पिलाए भाई साहब, लेकिन ये देखिए कुछ स्टॉक्स ध्यान से देखिए, इनका पीई रेशियो इतना हाई क्यों है? क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि रिटेल कंपनीज काफी हाई वैल्यूएशंस पे जो है वो ट्रेड होती है? चलिए खुद ही देख लीजिए। जैसे कि बात करते हैं हम लोग वीमार्ट रिटेल की, और उसका पी रेशियो अगर आप लोग देखेंगे तो 163, मेट प्लस हेल्थ का पी रेशियो 220, ट्रेंड का पी रेशियो 147, अरविंद फैशन 107, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 98.24। आई नो आपको इसका कारण जानना है, और ये हम नहीं SOIC के फाउंडर इश्मोहित अरोड़ा बताएंगे, जिन्होंने इस पर एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया था। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का अगर ट्रेंड इंडिया में देखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50 से लेकर 56% तक आजकल जो स्पेंड्स का ऑलमोस्ट शेयर है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आ रहा है। प्रॉबेबली यही एक ओनली रीजन है, क्योंकि जब भी एक कंट्री डेवलप होती है तो एक कर्व के थ्रू जाती है, जब लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ती है एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। एंड जब ऐसा होता है तो रिटेलर्स उस कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे सिमिलर ट्रेंड चला है। एंड चाइना के अंदर भी अब क्या हुआ है कि जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज मीट होने लगी तो आप लग्जरी रिटेल की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो आज जितने भी रिटेलर्स हैं इनकी वैल्यूएशन बहुत हाई रहती है। वैल्यूएशन हाई रहने का ये भी रीजन है क्योंकि ये जो ट्रेंड है यहाँ से 10, 20, 30 इयर्स के लिए रहने वाला है। तो हमने देखा है जैसे ट्रेंड टेक वन ऑफ द टाटा लिस्टेड कंपनीज है, जिसमें वेस्टसाइड और ज़ारा भी है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना महंगा रहे, बट आपने देखा होगा ट्रेंड के अंदर भी वेल्थ क्रिएशन रही। तो आपने सुना, समझ आया ना रीजन क्या है? एक्चुअली क्या नहीं, कौन इसका रीजन कौन हो सकता है? इसका रीजन है चिंटू। चिंटू, अब चिंटू इतने पैसे कमा रहा है तो खर्च भी तो करेगा। अब चिंटू की तरह हमारी इंडियन मिडिल क्लास बेझिझक जो है शॉपिंग करने में लग रहती है। हम सिर्फ फोन के लिए नहीं बल्कि फिट रहने के लिए एप्पल वॉच पे भी जो है पैसे खर्च करते हैं। ये है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का जमाना। याद कीजिए पुराने जमाने में क्या होता था, घर में एक टीवी, अरे मोहल्ले में एक टीवी, और अब हर घर के हर रूम में एक टीवी आपको मिल जाता है। और इसका असर जब हम लग्जरी पर स्पेंड करते हैं तो रिटेल कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं, और जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो बढ़ती है वैल्यूएशन।
और ऐसा ही कुछ जो है हम देख रहे हैं। प्लस ये ट्रेंड एक दो या पांच साल का नहीं बल्कि 20-30 सालों का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जबकि इंडियन मिडिल क्लास की इनकम लेवल्स और एक्सेस टू क्रेडिट तेजी से राइज होने वाला है, और इसलिए लग्जरी वॉच बेचने वाली कंपनी से लेकर सुपरमार्केट चलाने वाली कंपनी तक हर कोई रिटेल ब्रांड एक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स की शॉपिंग आपने अभी तक की हुई है या फिर करने वाले हैं। तो ये था बेस्ट ऑफ इंटरनेट का दूसरा एपिसोड। आई होप आपको मजा आया होगा। क्या आपने भी अपने सोशल मीडिया पे मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार पोस्ट देखी? अगर हाँ तो हमें उसके बारे में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम फिर से आपके लिए ऐसी मजेदार वायरल और इंटरेस्टिंग कंटेंट पर डिस्कशन जो है वो लेके आते रहें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ग्रो के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है और हमारे सारे के सारे वीडियोस को देखते रहना है। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हां मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.